हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने अपेंडिक्स का जो फोर्थ चैप्टर का वीडियो था, ट्रेड एंड डिफरेंस कर्व कैसे डिराइव करते हैं, ग्राफ कैसे डिराइव करते हैं, वो मैंने कवर किया था। एंड मैंने उसी वीडियो में कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो 10th चैप्टर कंटिन्यू करूँगी। तो अब हम 10th चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। 10th चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसने भी नहीं देखा है वो चैनल पे जाके 10th चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन। एंड देन कमिंग टू द सेकंड पार्ट, ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम्स यूनियन। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट वीडियो कवर करो, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा समझाया है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लेवल्स क्या क्या है और कस्टम यूनियन उसका एक लेवल है। तो कैसे कस्टम यूनियन ट्रेड क्रिएट करता है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ट्रेड क्रिएशन, द स्टैटिक और पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ फॉर्मिंग अ कस्टम यूनियन आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्शन। देखो, सबसे पहले तो पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट आपको समझना है। पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट, अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से किया है, दो तरीके के होते हैं। एक जनरल इक्विलिब्रियम इफेक्ट होता है, एक पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट होता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट मतलब कि सिर्फ एक्स का इफेक्ट वाई पे देखेंगे, बाकी सब जो भी समझो जेड है, ए है, बी है, उसका इफेक्ट जो वाई पे हो रहा है उसको कांस्टेंट रखेंगे। सो कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, वही पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट होता है। ट्रेड क्रिएशन कब आता है? ट्रेड क्रिएशन अकर्स व्हेन सम डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन द नेशन दैट इज अ मेंबर ऑफ कस्टम यूनियन। ऐसा मेंबर जो कस्टम्स यूनियन का मेंबर है, उधर डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हो रहा है वो रिप्लेस हो जाता है बाय, किससे रिप्लेस हो जाता है? लोअर कॉस्ट इंपोर्ट फ्रॉम अनदर मेंबर नेशन। तो ये समझो ए, ये बी, ये मेंबर नेशन है कस्टम्स यूनियन के, ये दोनों मेंबर्स है कस्टम्स यूनियन में। ए में डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वहाँ पे जो भी कॉस्ट लग रहा है उसका, उससे कम कॉस्ट से बी से अगर हम इंपोर्ट करें, जो कि मेंबर नेशन है, बी से अगर हम इंपोर्ट करें तो वो लोअर कॉस्ट में इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है? तो इसे ट्रेड क्रिएशन कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम मेंबर बन गए इस कमिटी की, कुछ एडवांटेज मिल गए, तो ये वही है कि कस्टम यूनियन के मेंबर बन गए तो उन्हें ये एडवांटेज मिल गया, ट्रेड क्रिएट हो गया कि लोअर कॉस्ट में वो लोग इंपोर्ट कर सकते हैं मेंबर नेशन से, अनदर मेंबर नेशन से। अज्यूमिंग दैट ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड बिफोर एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन, दिस इंक्रीजेस द वेलफेयर ऑफ मेंबर नेशन बिकॉज इट लीड्स टू ग्रेटर स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज। अब आप बोलोगे ये तो सिर्फ एडवांटेज है, इससे ट्रेड क्रिएशन या वेलफेयर कैसे इंक्रीज होगा? सबसे पहली चीज़, इसमें एक चीज़ अज्यूम की गई है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज कस्टम यूनियन फॉर्म करने से पहले भी और बाद में भी फुल्ली एम्प्लॉयड थे, और साथ ही साथ इस वजह से ये जो लो कॉस्ट से रिप्लेस हो गया है इम्पोर्ट से, क्या करेगा? कंपैरेटिव एडवांटेज बढ़ाएगा। ऑब्वियसली हमने जैसे कंपैरेटिव एडवांटेज देखा, स्पेशलाइजेशन करेगा, क्योंकि इम्पोर्ट कर रहा है तो वो स्पेशलाइज करेगा अपने काम में। तो इस वजह से कंपैरेटिव एडवांटेज के बेसिस पे वेलफेयर इंक्रीज होगा दोनों मेंबर नेशंस का। अब इसे ट्रेड क्रिएशन कहते हैं। ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन ऑल्सो इंक्रीसेस द वेलफेयर ऑफ नॉन मेंबर्स। अब ये नॉन मेंबर्स जो कस्टम यूनियन में मेंबर नहीं है, उनको भी बेनिफिट करता है। कैसे? उनका भी वेलफेयर बढ़ाता है। कैसे? बिकॉज सम ऑफ द इंक्रीज इन इट्स रियल इनकम। क्योंकि आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका रियल इनकम बढ़ेगा। ये हम लोग ने कंपैरेटिव एडवांटेज विथ मनी के टर्म्स में देखा था। तो रियल इनकम बढ़ेगा, रियल इनकम जब बढ़ेगा,
स्पिल ओवर इफेक्ट इनटू इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीजेस। तो क्या होगा, जैसे इनकम बढ़ेगा, हमें पता है कि जैसे इनकम बढ़ता है हम इंपोर्ट करते हैं, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम इंपोर्ट करेंगे तो उनका भी एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इस वजह से उनको भी वेलफेयर जो है उनका भी इंक्रीज होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। अब ये इलस्ट्रेट करके डायग्राम के थ्रू दिखाया है, दिस इज योर डायग्राम, आई जस्ट रिमूव एवरीथिंग, यस दिस इज द डायग्राम, लेट्स सी। द इफेक्ट ऑफ ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन आर इलस्ट्रेटेड इन फिगर 10.1 व्हिच इज अडेप्टेड फ्रॉम फिगर 8.3। डिमांड एंड सप्लाई इन द फिगर आर नेशन टूज डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ कमोडिटी एक्स। ये नेशन टू का है, ये सप्लाई कर्व है ग्रे वाला, ब्लू वाला डिमांड कर्व है एक्स कमोडिटी का। सपोज दैट द फ्री ट्रेड प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज $1 इन नेशन वन एंड पी एक्स इज 1.50 इन नेशन थ्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो नेशन वन में प्राइस $1 है और नेशन थ्री यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो 1.5 है। एंड नेशन टू इज अज्यूम टू बी स्मॉल टू अफेक्ट दीज प्राइसेस। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए। नेशन टू स्मॉल नेशन है क्योंकि वो अफेक्ट नहीं करेगा प्राइस को। इफ नेशन टू इनिशियली इम्पोजेस अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एड वेलरम टैरिफ ऑफ 100% ऑन ऑल इम्पोर्ट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। वो क्या कर रहा है, नेशन टू जो है वो कमोडिटी एक्स के हर चीज हर यूनिट पे 100% एड वेलरम टैरिफ लगा रहा है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब नेशन वन के लिए भी नेशन थ्री के लिए भी। फ्रॉम नेशन वन एट 100% है तो ये क्या हो जाएगा, आफ्टर टैरिफ टू हो जाएगा। अब नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है तो देन नेशन टू विल इम्पोर्ट कमोडिटी एक्स फ्रॉम नेशन वन एट प्राइस टू, तो प्राइस टू हो जाएगा नेशन वन से। ये प्राइस वन था, अब आफ्टर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एड वेलरम टैरिफ ऑफ 100%, 100% मतलब वन का टू हो जाएगा प्राइस, तो ये टू हो गया है विथ टैरिफ। तो नेशन वन से वो $2 पे खरीदेगा। एट प्राइस टू नेशन टू कंज्यूम्स 50x GH एंड 20x प्रोड्यूस डोमेस्टिकली एंड 30x इम्पोर्टेड फ्रॉम नेशन वन। तो जैसे हम टैरिफ का हमने डायग्राम देखा था, ये वो प्रोड्यूस करेगा 20x GJ प्रोड्यूस करेगा, GH कंज्यूम करेगा, 50 कंज्यूम करेगा, बाकी का 30 वो इंपोर्ट कर रहा है नेशन वन से एट $2। नेशन टू ऑल्सो कलेक्ट्स $30 इन टैरिफ रेवेन्यू। तो ये हमने पहले भी देखा था, इतना टैरिफ रेवेन्यू होगा, तो $2 का टैरिफ रेवेन्यू होगा, सॉरी 30 का, बिकॉज 30 वो मंगा रहा है एंड 1 रुपी 30 इम्पोर्ट कर रहा है एंड 1 रुपी पर यूनिट पे एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है, तो 1 × 30 becomes $30 टैरिफ रेवेन्यू। इन द फिगर S1 इज नेशन वन्स परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व ऑफ कमोडिटी एक्स टू नेशन टू अंडर फ्री ट्रेड। तो S1 जो है वो नेशन वन का सप्लाई कर्व है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व नेशन वन का टू नेशन टू अंडर फ्री ट्रेड। एंड S1+T इज टैरिफ इंक्लूसिव सप्लाई कर्व। नेशन टू डज नॉट इम्पोर्ट कमोडिटी एक्स फ्रॉम नेशन थ्री बिकॉज द टैरिफ इंक्लूसिव। अब ये सिंपल बात है, क्योंकि अगर आप
नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हमने बोला था एड वैलोरम लगाएगा, तो इसका भी अगर 100% देखे तो 3 प्राइस हो जाएगा, राइट। अब आफ्टर टैरिफ तो कहाँ पे सस्ता मिल रहा है? नेशन वन से सस्ता मिल रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो 3 पे मिल रहा है। भले ही आफ्टर टैरिफ वहाँ पे 2 रुपीज़ में मिल रहा है, लेकिन 1 रुपये ज़्यादा है ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो इस वजह से वो वहाँ से नहीं करेगा खरीद नहीं खरीदेगा नेशन 3, बिकॉज द टैरिफ इंक्लूसिव प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इम्पोर्टेड फ्रॉम नेशन 3 वुड बी 3 इफ नेशन 2 नाउ फॉर्म्स अ कस्टम यूनियन। अब तक जो चल रहा था वो सिर्फ सिंपल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ उन्होंने दोनों के लिए लगाया, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्योंकि प्राइस 3 हो गया और नेशन 1 से जो इम्पोर्ट कर रहा था वो प्राइस 2 हो गया, तो सस्ता जहाँ पे है वहाँ से वो इम्पोर्ट कर रहा था। अब अगर कस्टम यूनियन वो फॉर्म कर रहा है विथ नेशन 1, नेशन 1 के साथ कस्टम यूनियन फॉर्म कर रहा है, तो कस्टम यूनियन क्या कहता है कि आपको टैरिफ्स जितने भी हैं वो सारे ज़ीरो कर देने होंगे या रिमूव कर देने होंगे। दैट इज़ रिमूव द टैरिफ ऑन इट्स इम्पोर्ट फ्रॉम नेशन 1 ओनली, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ नहीं। कस्टम यूनियन में ये होता है कि आप सिर्फ अपने मेंबर नेशन के साथ टैरिफ रिमूव करो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ नहीं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जैसे जैसे है वे वैसा ही रखो। पीएक्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्राइस ऑफ एक्स नेशन 2 के लिए 1 हो जाएगा। नेशन 1 से वो इम्पोर्ट $1 पे करेगा। एट दिस प्राइस नेशन 2 कंज्यूम्स, अब इस प्राइस पे नेशन 2 कितना कंज्यूम करेगा? वो इतना डोमेस्टिकली, ए सी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूम इतना करेगा 70, क्योंकि डिमांड यहाँ पे है 1 प्राइस पे, और बाकी का जो है वो इम्पोर्ट करेगा क्योंकि फ्री में अब इम्पोर्ट हो रहा है। एट दिस प्राइस नेशन 2 कंज्यूम 70x ऑफ कमोडिटी एक्स विथ 10x प्रोड्यूस डोमेस्टिकली एंड 60x इम्पोर्टेड फ्रॉम नेशन 1। इन दिस केस नेशन 2, अब इस सिचुएशन में नेशन 2 टैरिफ कलेक्ट कर रहा है, टैरिफ रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है? नहीं, कोई टैरिफ रेवेन्यू नेशन 2 को नहीं मिल रहा है। द बेनिफिट टू कंज्यूमर्स इन नेशन 2 रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन इज इक्वल टू AGHB। तो बेनिफिट क्या मिल रहा है कंज्यूमर्स को क्योंकि वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, और कस्टम, देखो कस्टम यूनियन में आए, कस्टम यूनियन में आने के बाद बेनिफिट क्या हो रहा है कस्टम यूनियन बनाने के बाद, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे AGHB जो है वो, ये हैंग हो गया है, लेट्स वेट, ये थोड़ा हैंग हो गया, जस्ट 1 मिनट। सो सॉरी। नो प्रॉब्लम। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, ये देखो ये जो है AGHB, ये कंज्यूमर को बेनिफिट हो रहा है। कैसे? देखो फ्री ट्रेड में बिफोर कस्टम यूनियन जब वो इम्पोर्ट कर रहा था टैरिफ के साथ, तो इधर था राइट, ये था प्राइस, 2 था प्राइस, कंज्यूमर का सरप्लस कितना हो गया? फिर कंज्यूमर का सरप्लस ये हो गया, ये ट्रायंगल कंज्यूमर का सरप्लस हो गया राइट। अब जब प्राइस कस्टम यूनियन में आने के बाद प्राइस ये हो गया, तो
अब ये कंज्यूमर का सरप्लस हो गया, तो ये जो एरिया है ये बेनिफिट हो रहा है ना कंज्यूमर को, सरप्लस बढ़ा रहा है ये जो एरिया है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर का सरप्लस इंक्रीज होगा तो उनका वेलफेयर बढ़ेगा। हाँ, द बेनिफिट टू कंज्यूमर AGHP इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस डिफाइंड इन सेक्शन 8.2B। हाउएवर ओनली पार्ट ऑफ दिस रिप्रेजेंट्स अ नेट गेन फॉर नेशन टू एज अ होल। लेकिन ये पूरा कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर्स का सरप्लस है, क्या ये नेशन का गेन है? नहीं, इसका सिर्फ पार्ट जो है वो नेट गेन होगा। क्यों, हम वो भी देखेंगे। दैट इज AGJC, ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, इट रिप्रेजेंट्स द रिडक्शन इन द रेंट और प्रोड्यूसर सरप्लस। इसके वजह से क्या हो गया, प्रोड्यूसर का ये जो है, ये प्रोड्यूसर का सरप्लस कम हुआ है। कैसे, पहले प्राइस ये था, सो आई वाज सेइंग जब प्राइस ये था तब प्रोड्यूसर का सरप्लस क्या था, ये पूरा एरिया प्रोड्यूसर का सरप्लस हो गया था। ठीक है, नाउ क्योंकि प्राइस ये हुआ है तो इतना एरिया प्रोड्यूसर का सरप्लस कम हुआ है। तो AGJC, रिडक्शन इन रेंट और प्रोड्यूसर सरप्लस, वाइल MJHN जो एरिया है वो क्या हो गया, MJHN रिप्रेजेंट लॉस ऑफ टैरिफ रेवेन्यू, क्योंकि ये पहले टैरिफ रेवेन्यू मिल रहा था, अब ये टैरिफ रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। दिस लीव्स द सम ऑफ एरिया ऑफ शेडेड ट्रायंगल CJM एंड BHN, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दो शेडेड ट्राइंगल मिला के $15 जो हैं वो क्या है, दीज आर नेट स्टैटिक वेलफेयर गेन। अब बचा यही, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि ये पूरा एरिया कंज्यूमर का सरप्लस है, लेकिन इसमें से इतना एरिया प्रोड्यूसर का लॉस है और इतना एरिया वेलफेयर का कम होना है, तो बाकी बचा ये, तो ये नेट गेन है, नेट गेन फॉर नेशन टू। ट्रायंगल CJM इज प्रोडक्शन कंपोनेंट ऑफ वेलफेयर गेन एंड ट्रेड क्रिएशन एंड रिजल्ट्स फ्रॉम शिफ्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ 10x फ्रॉम लेस एफिशिएंट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स इन नेशन टू टू मोर एफिशिएंट प्रोड्यूसर इन नेशन वन। तो ये जो CJM है, जो CJM है ये कौन सा कंपोनेंट है, ये प्रोड्यूसर वाला कंपोनेंट है, यानी ये क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कंपोनेंट हो रहा है। क्या मतलब कि इस कस्टम यूनियन के वजह से प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है, लेस एफिशिएंट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर नेशन टू से मोर एफिशिएंट प्रोड्यूसर नेशन वन की तरफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, तो वेलफेयर गेन हुआ है। ट्रायंगल BHN इज कंजम्पशन कंपोनेंट। अब आप बोलोगे कैसे, देखो पहली बात तो यहाँ पे प्रोडक्शन इतना था, अब प्रोडक्शन इतना हुआ है तो ये 10 यूनिट्स वो इंपोर्ट कर रहा है, कैसे, क्योंकि नेशन वन से वो इंपोर्ट कर रहा है, नेशन वन प्रोड्यूस कर रहा है वो, तो ये नेशन वन ही एक्स कमोडिटी में इंटेंसिव था ना, तो इस वजह से वो एफिशिएंट हो जाएगा, प्रोडक्शन एफिशिएंट हो जाएगा। ट्रायंगल BHN इज कंजम्पशन कंपोनेंट ऑफ वेलफेयर ग्रेन। तो ये जो BHN है वो आप देख सकते हो, डिमांड इसके वजह से, इस कस्टम यूनियन के वजह से डिमांड इंक्रीज हुई है, तो इस वजह से वो कंजम्पशन कंपोनेंट कहलाएगा। एंड रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज इन कंजम्पशन इन नेशन टू गिविंग द बेनिफिट ऑफ ZWBH विथ एन एक्सपेंडिचर ऑफ ओनली ZWBN। विनर हु पायनियर द डेवलपमेंट ऑफ थियोरी ऑफ कस्टम्स यूनियन इन 1950 कॉन्सेंट्रेटेड ऑन प्रोडक्शन इफेक्ट ऑफ ट्रेड क्रिएशन एंड इग्नोर द कंजम्पशन इफेक्ट। तो विनर जो थे,
उन्होंने 1950 में कस्टम यूनियन को इन डिटेल थियोरी देखा, उसका डेवलपमेंट देखा कस्टम यूनियन का। उन्होंने बताया